मिलावट के बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने डेंगू के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ दिया है। खुद स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ इंदौर के कई इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। मौसम में आए बदलाव के साथ ही मध्य प्रदेश में डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। डेंगू के मरीजों की संख्या 1480 के पार पहुंचने के बाद एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जन जागृति अभियान के तहत मंत्री सिलावट इंदौर के विजयनगर जोन में निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही तुलसी सिलावट ने घर घर जाकर लोगों को हिदायत दी और सतर्क रहने की अपील की। मंत्री तुलसी सिलावट ने शहर की बस्तियों की सफाई का जायजा भी लिया। राजधानी भोपाल में अब तक डेंगू के 14 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। वहीं ग्वालियर में 500 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में भी आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया तो वहीं जबलपुर में 200 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। वहीं डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एक चुनौती मध्य प्रदेश सरकार के सामने डेंगू के रूप में, मलेरिया के रूप में, चिकनगुनिया के रूप में, स्वाइन फ्लू के रूप में उभरी है। भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में और कई जिलों में डेंगू और मलेरिया को मध्य प्रदेश को जकड़ने का प्रयास किया है। इससे पहले भोपाल में भी मंत्री तुलसी सिलावट ने शहर का जायजा लिया था, जहां कई घरों में डेंगू का लार्वा पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने दवाई डालकर लार्वे को नष्ट किया। साथ ही लोगों से मिलकर सतर्क रहने की अपील भी की थी। बहरहाल रोजाना डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद मैदान में उतरकर इसका जायजा ले रहे हैं। इंदौर से आदित्य सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।